नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक सभी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंटों के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। चाहे वो डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों का जो पर्पल होता है वह होता है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों से बात की है, उनका कहना है सर मैं आरआरबी जेई और एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन इन दोनों सेक्टर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सभी स्टेट के डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं और उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकालता है। यदि हम अपने डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के अंदर यदि हमने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो यह जो वैकेंसी निकालता है वह एसएससी जेई, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकालता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां जहां पर जूनियर इंजीनियर की जो भी हमारी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग जरूरत होती है तो यह क्या करता है, वैकेंसी निकालता है। बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जेई की तैयारी करते हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक कब वैकेंसी निकालता है, कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, कैसे वैकेंसी देखते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग जो 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 सेक्टर है गवर्नमेंट के जहां से वैकेंसी निकलती है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट कॉमन है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो वैकेंसी निकालता है वो जितने भी रेलवे के जो बोर्ड है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं आपको दिख रहा होगा, चाहे वो अहमदाबाद हो, अजमेर हो, इलाहाबाद हो, इस तरह अलग अलग जोन में वैकेंसी निकालता है। इसमें कॉमन दो टाइप्स की वैकेंसी के बारे में सब लोग जानते हैं, पहली तो कौन सी होती है, जूनियर इंजीनियर, फिर आती है असिस्टेंट लोको पायलट। कौन सी होती है, असिस्टेंट लोको पायलट। दो टाइप्स की वैकेंसी कॉमन निकलती रहती हैं, लेकिन ये प्रत्येक साल नहीं निकालता, पर ईयर वैकेंसी नहीं निकालता, ये 2 साल में 3 साल में ऐसे वैकेंसी निकालता है। इसके अलावा जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं, एक और टाइप की वैकेंसी निकलने लगी है अप्रेंटिस के नाम से, अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, ये वैकेंसी निकालता है अप्रेंटिस के लिए। आईआईटी वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मेरी आरआरबी जेई की बात। अब चलते हैं, दो कॉमन सेक्टर थे जिनके बारे में सभी जानते हैं, अब नेक्स्ट सेक्टर है वह भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है इसरो। इसरो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर जो वैकेंसी निकलती हैं वह निकलती हैं हमारी टेक्नीशियन बी के नाम से, मैकेनिकल इंजीनियर टेक्नीशियन बी के नाम से निकलेगी। आईटीआई के लिए भी वैकेंसी निकलती इसमें, और सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के नाम से भी वैकेंसी आती है। और इसमें मैक्सिमम मुझे लगता है प्रत्येक वर्ष टेक्नीशियन बी की वैकेंसी इसमें आती है। तो इसरो टेक्नीशियन बी का भी आपको याद रखना है, इसमें भी कॉमन वैकेंसी निकलती है सबके लिए। नेक्स्ट आती है मेट्रो। मेट्रो का सभी नाम सुना होगा, जिसमें आपने सुना होगा डीएमआरसी, LMRC, JMRC, BMRC, जिसमें DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, ऐसे ही LMRC होता लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, फिर आता JMRC, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, फिर आता BMRC, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इस तरह मेट्रो में भी जो भी अलग अलग जोन है जिनके नाम क्या बताया मैंने, डीएमआरसी, एलएमआरसी, जेएमआरसी और बीएमआरसी, अलग अलग जोन में वैकेंसी आती रहती है और बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी करते रहते हैं। अब नेक्स्ट जोन में चलते हैं,
नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ का नाम सभी ने सुना होगा। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, खासकर मैं बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाता रहता हूँ तो बच्चों से बात होती रहती है। तो डीआरडीओ की भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो भी डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट होता है बार्क। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बार्क? भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहां से भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, यहां पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, ये जो वेबसाइट में बता रहा हूं इनकी डिटेल्स, कब वैकेंसी आती हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, कितनी परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, कैसे अप्लाई करेंगे, कब वैकेंसी आती है, इस सब कुछ मैं प्रत्येक जो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सेक्टर के बारे में, उस सेक्टर की डिटेल्स बताऊंगा, जिससे आप उस समय तैयार रहें जब वैकेंसी आती है और अप्लाई करने के लिए, और तैयारी पहले से ही करते रहें। वो मैं खुद तैयारी करवाऊंगा तो आप उसकी टेंशन ना लें। ये जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ सेल, इसकी भी वैकेंसी प्रत्येक साल आती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की वैकेंसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है, आप तैयारी कर सकते हैं। सेल शॉर्ट में बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गेल, GAIL। यहां पर याद रखें, जब भी अप्लाई करें तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। गेल के लिए परसेंटेज मतलब कट ऑफ जाता बहुत हाई जाता है, सिर्फ पहले परसेंटेज कट ऑफ जाता है, फिर जो टेस्ट होगा बात अलग है। तो आप लोग तो अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे मतलब पढ़ाई करें कि परसेंटेज अच्छा बन जाए। ऐसे जो एक क्या है पब्लिक सेक्टर PSU, एस का नाम सुनाओ आपने, क्या है PSUS का नाम सुनाओ, PSUS का नाम सुनाओ, जिसमें SL है, GAIL है, BHEL है, NTPC है, ये कोल इंडिया है, ऐसे बहुत सारी हैं जो सेक्टर हैं जो वैकेंसी निकालते हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए आपको अच्छा खासा परसेंटेज चाहिए और पढ़ाई भी अच्छी चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया से जो स्टूडेंट आते हैं सभी जगह से आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। फिर आता है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में भी आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन BHEL हो गया और NTPC हो गया, इनके बारे में भी मैंने बताया नहीं, लेकिन नाम बता दिया BHEL और NTPC, इनमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हो सकता है आप जिस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं या जितनी पढ़ाई नहीं करते उसके हिसाब से मुश्किल होगा, लेकिन जो कॉमन कॉमन में बता रहा हूं, इन सब में नॉर्मल स्टूडेंट सभी जगह से पढ़ने वाले अप्लाई करते हैं। कट ऑफ भी परसेंटेज का इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर होता है आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन NTPC हो गया, GAIL हो गया, BHEL हो गया, यहाँ पर जो परसेंटेज है आपका डिप्लोमा का वो मायने रखता है। तो कुछ ऐसे कॉमन है जो मैं बताते जा रहा हूँ, जहां पर आपका परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, जो भी क्राइटेरिया है आपका वो परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन है, जो भी है नॉर्मल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न टेस्ट वहां पर इंपॉर्टेंट होगा, याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। अब मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले स्टूडेंटों के लिए यदि हम बात करें तो MP जो हमारा MPPE भी बोलते हैं, जो क्या व्यापम के नाम से भी आपने सुना होगा, जूनियर इंजीनियर के नाम से जो वैकेंसी निकालता है, लेकिन वो बहुत कम होती है। यदि हम सिविल इंजीनियर की बात करें, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बहुत कम आती हैं। तो मतलब तैयारी करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, कर सकते हैं आप, लेकिन जो मैं अभी इससे पहले बता चुका हूं वो मैं चाहूं तो अभी इतनी बड़ी लिस्ट है कि बहुत सारी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो कॉमन है जिनकी तैयारी आप कर सकते हैं हकीकत में, वही मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा स्टेट में देखें, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, सभी स्टेट में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलती है वो तो ये PWD सेक्टर में निकलती है। इसके अलावा जो हमारा पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी वाला विभाग है, उसके अंदर भी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की तीनों की वैकेंसी निकलती है। वहां पर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ज्यादा होती है, लेकिन जो मैकेनिकल है और सिविल है उसकी वैकेंसी कम होती है। इसके अलावा
जो आईटीआई कॉलेज है उसमें जो लेक्चर की वैकेंसी है वो भी आप लोगों के लिए आती है। डिप्लोमा वाले वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे सेक्टर हो जाते हैं कि जहां पर आप बड़े आसानी से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एसएससी जेई और आरआरबी जेई माइंड में लेकर ना बैठे, जो मैंने सेक्टर बताया इन पे मैं पर्सनल डिटेल बनाऊंगा, सभी वैकेंसी की कब आती वैकेंसी, कैसे फॉर्म भरना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया है उनका, कितना परसेंटेज मांगा जाता है, क्या सिलेबस रहता है। लेकिन डिप्लोमा स्टूडेंट बिल्कुल याद रखें, आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इन्हीं सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जो भी ये जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है जहां पर आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, जो सिलेबस देखेंगे बिल्कुल सेम पाएंगे, आप यही टॉपिक देखेंगे। इसलिए अभी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या उसी की पर्टिकुलर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और समझ में भी जल्दी आएगा। तो याद रखें, एक कॉमन कॉमन नाम मैंने बताने की कोशिश की, एक कॉमन मैं खुद चाहता हूं इससे पे कॉमन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें, और जिस स्टेट में रहते हैं आप उस स्टेट की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जरूर देखते रहें। दो विभागों में मैंने बता दिया है, एक तो पीडब्ल्यूडी, एक हमारा जो पावर जनरेशन वाला विभाग रहता है, ये दोनों विभागों में आप अपने स्टेट लेवल पर देख सकते हैं, और सेंट्रल लेवल पे और पीएससी लेवल पे मैंने बहुत सारे बता चुके हूँ। जैसे एक बार रिपीट कर दूं, एसएससी जे हो गया, जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया। आरआरबी जेई में दो तीन टाइप से आप वैकेंसी देख सकते हैं, एक असिस्टेंट लोको पायलट की देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की देख सकते हैं, और अप्रेंटिस भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह आप मेट्रो में जो मैंने बताए थे तीन चार जो अलग अलग जोन है जहां जहां मेट्रो चल रही है वहां पर आप देख सकते हैं। हमने बताया था इसरो का, इसरो का अच्छा ऑप्शन है, हर साल यहाँ आता है। ऐसी सेल की भी हर साल वैकेंसी आती है, कोल की भी हर साल वैकेंसी आती है, तो ये कॉमन है। अब गेल की बात करेंगे तो परसेंटेज हो सकता ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट होगा तो वैसे ही आप हार मान जाएंगे, एनटीपीसी में भी आप हार मान जाएंगे, क्योंकि जब परसेंटेज ही नहीं है तो आप तैयारी करने का मतलब ही नहीं है। बीएचएल में भी ऐसे ही आपका हाल हो जाएगा। लेकिन जो पांच छह विभाग ऐसे हैं जहां आप परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिटर्न टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न की जो नंबर आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा, और जैसा मैंने बताया वैसा आप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें कि इन पर मैं जब डिटेल्स बनाऊंगा। थैंक यू।